देखिए गाइस फोटो सेशन हो रहा है, चलो फटाफट से चलते हैं। पहली बार हम लोग एंटर कर रहे हैं एक्चुअली में। गाइस देखिए गाइस इतना टाइम लगा रही है, 15 मिनट से ये ऑर्डरिंग करे जा रही है। और ये है कढ़ाई पनीर जिसको भी ताजी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये गार्लिक नान, क्योंकि मुझे 12th बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलने वाला है आज। मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी सिटी बस में। और गाइज मैं सरस्वती पूजा का इतना आपको दिखा नहीं सकी कि कैसा रहा, मैंने स्कूल में क्या क्या किया, मैंने खिचड़ी भी खाया था, ये सब किया। मुझे क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है स्कूल में ये सब शूट करने में, क्योंकि 2 ईयर्स ही में मुझे पास आउट करते हुए, तो थोड़ा सा एक है अंदर में ऑकवर्डनेस। आई होप कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा सकूं अगर अगले साल कैसा होता है। मुझे बहुत मन था आपको दिखाने का कि गुवाहाटी ऐसा में सरस्वती पूजा कैसे मनाया जाता है। लड़के लोग एकदम अच्छे से रेडी होते हैं, मेखला चादर पहन के, कोई घाघरा चुन्नी, कोई साड़ी, कोई इन लोग पहनते, लड़का लोग तो कुर्ता ही पहनेगा एज यूजुअल, पर लड़की लोग अलग अलग स्टाइल से रेडी होकर आते हैं, रंगोली बनाते हैं, सरस्वती माँ का वहाँ पे मूर्ति लगाता है, फिर पंडित जी आते हैं, उन लोग पूजा पाठ करते हैं। अरे बस कर भाई, जो भी मतलब अभी 10 देने वाला है तो वहाँ पे मेरे को स्पेशल पूजा करवाया जाता है स्कूल में, जो 10 का बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अपने स्कूल में 10 बोर्ड्स तक ही है। और फिर जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि हम लोग बुक्स छूते नहीं है, उस दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, भगवान के यहाँ पे रख देते हैं ताकि जो भी हम लोग के अंदर नॉलेज है सारा अंदर से आ जाए अच्छे से। क्या बोला तूने? मतलब एक दिन रेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। और गाइज अभी तक बस इतना ही हुआ है, निखिल भैया गया है जिम और प्रेम अभी सो रहे हैं, उसको क्योंकि 10:30 से उसको स्कूल जाना है तो वो अभी उठने वाला है, उसको उठाएगा, वो अभी तक उठा नहीं, खुद से उठता नहीं, उसको हम लोग को उठाना ही पड़ता है। गाइज तो अभी तक बस इतना हुआ है, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। A few moments later. Guys, ये देखिए मैं अभी आया था और चाचा आते ही मुझे गाली देना स्टार्ट कर दी है। गाली खान के काम करोगे तो गाली क्यों? सही बात है, बंद कर दे जाके नाले। ठीक है गाइस, मैं निखिल के स्टूडियो में आया था और मैं देख रहा हूँ कि निखिल है नहीं, आई थिंक वो जिम गया हुआ है। चलिए जिम से आके उससे बात करते हैं। इतनी देर मैं भी गाइस चलता हूँ नहाने के लिए, नहा के आके फिर आपको पकड़ता हूँ, समझ रहे हो? A few minutes later. Guys, आपको चलिए सुबह का व्यू दिखाता हूँ। सुबह का व्यू देखते ही इतना इंटरेस्टिंग लगता है गाइस, तो आपको चलिए दिखाते हैं कितना रोमांटिक सीन है। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, सुबह उठ के ये सब देखते ही गाइस इतना मजा लगता है खुद को ही, इन्वायरमेंट भी कितना साफ सुथरा है। गाइस अभी निखिल जिम से आने वाला है, अभी बज रहे हैं 10:30 और वो करीबन आजकल 12:30-1 बजे से गाने लग गया है, क्योंकि हार्ड वर्क कर रहा है वो, और मम्मी उसका प्रिपरेशन के लिए हमेशा लगी रहती है। तो आज पूछते हैं मम्मी से क्या बनाए, क्या बनाए मम्मी आज? बेटा उसका 3 टाइम का भात बनाया है, बोल के गया है वो कि 3 टाइम पानी में गया, पानी में पापा का वो लेमन टी बनाएगा, इसमें भात है 3 टाइम का। अच्छा तो गाइस अभी मैं घर आ चुकी हूँ अपने कॉलेज से और मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड राखी, इसको भी मैं उठा के ले आई अपने साथ में, क्योंकि ये एक बार भी नहीं आई थी इस घर में, तो इसलिए मैं इसको ये घर दिखाने के लिए भी लेके आई हूँ। और ये मेरे को छोड़कर जा रही है राजस्थान, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको घर दिखाई दूँ, क्या पता ये फर्स्ट एंड लास्ट हो। तो गाइस मिलते हैं उसके, उसको भेजने के बाद में। गजब बेइज्जती है। So, दोस्तों अभी शाम हो चुकी है एंड काफी इंटरेस्टिंग माहौल बन रहेगा, सब अभी इकट्ठा होके रखे थे उधर सेटअप वाला रूम में जहाँ पे हम वीडियोस बनाते हैं, तो उस रूम में गए सब लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अभी कुछ करते हैं, तो मैंने कहा भाई ये सीन कर सकते हैं, तो अभी कुछ प्लान आउट हो रहा है गाइस एंड अभी कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे नया मैकडोनल्ड्स खुला है गाइस, तो मैकडोनल्ड्स में दिख क्या कैसा लगेगा वहाँ पे, तो उसी के लिए प्लान आउट कर रहे हैं एंड वहाँ पे कौन कौन जाएगा उसके लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने आया था कि भाई एक शख्स जो बीमार हो चुका है, मुझे पता चला भाई बीमार क्यों हो, ऐसे ही टेंपरेचर। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। सो दोस्तों इन्हें थोड़ा सा पता नहीं बुखार हो के रखी है, कैसे पापा ने बताया मुझे पता भी नहीं था, तो हालचाल पूछने आए हैं और इन्हें स्पेशल इन्विटेशन देने आए गाइस जाने के लिए। तो भाई बीमारी का आपका इलाज मिल गया है। अरे कहना क्या चाहते हो, आज आपको बाहर घुमाया जाएगा? नहीं आज हम नहीं जाएंगे, दूसरा दिन नहीं, आज ही ऑप्शन है, क्या बोलते हैं जो भी है मतलब वन टाइम ऑफर जो भी बोल लो। तो दोस्तों आज इन्हें मिला है, आज पापा का बड़ा मन है घुमाने का, तो इन्हें आज जाना ही पड़ेगा, नहीं दूसरा दिन बीमार होना पड़ेगा ना मेरे अलग से कुछ भी, इसलिए अभी जाओ। तो दोस्तों ना करेगी कोई बात नहीं, लेके जरूर जाएंगे,
क्योंकि जाना भी जरूरी है। जिस दिन बुखार होती है ना उस दिन एक्चुअली क्या करते हैं, बहुत टाइम बाद बाहर निकलना कम होता है गाइस औरतों लोगों का, तो इनको बाहर धीरे धीरे एक एक करके मतलब कभी चाची को ले गए कभी मम्मी को ले गए, तो इनको ऐसे बाहर घुमाया भी जाता है, इनका भी मनोर हो जाता है एंड इन्हें कुछ खाने पीने मिल जाता है। गाइस इन्हें भी फुर्सत मिलनी चाहिए ना, इतने काम करते हैं घर के पूरे दिन भर में, तो इन्हें भी थोड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ऑब्वियस थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए वैसे, तो थोड़ा बहुत तो कम से कम दे पाए कम से। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। सो दोस्तों फाइनली थोड़ा समझाने के बाद मान चुकी है, तैयार होने के लिए रेडी हो चुकी है एंड दोस्तों यहाँ पापा इनको जोश चढ़ा था जाने का आज मैकडोनल्ड्स में, क्यों भाई इतना जोश क्यों चढ़ा था। अब जाएंगे घूमने आज। सो दोस्तों इनको अपनी वाइफ के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, मतलब हमारी मम्मी के साथ एंड बाकी बच्चों को भी साथ में लेके जाना था। और इस लंगूर को देखिए, क्या बोला तूने, ये देखिए ये खाली गाड़ी साफ करने में लगा रहता है। तो दोस्तों कहीं भी जाना हो तो ये सबसे पहले गाड़ी को चमचमा कर देते हैं ताकि कहीं जाए तो भाई तुम लोग को शाइन करता है, चाचा को पता नहीं क्यों जाने का मन नहीं है। भाई आप भी चले जाओ। नहीं मैं खाता नहीं जाए। एक काम करो आज आप अपनी बीवी के साथ जाओ, नेक्स्ट टाइम चाचा अपनी बीवी के साथ लेके चले जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ सब तैयार हो चुके हैं, ये देखिए इन दोनों को, इन दोनों की आज डेट होगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड इसको देखिए बंदर को, इसका कल से एग्जाम है लेकिन इसको मैकडोनल्ड्स के नाम से इसके मुंह में पानी पानी आ जाएगा, बाद में बोले भैया खिलाया नहीं, तो इसलिए इसको भी लेके जा रहे हैं। दोस्तों चाचा नहीं जा रहे मैं भी नहीं जा रहा डॉली और अखिल जा रहे हैं। अखिल पहले से नीचे पहुंच गया गाड़ी के पास, डॉली भी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट निकल रहे हैं शायद। गाइस ये लोग निकलेंगे, ये लोग खाएंगे पियेंगे, हम बोल रहे हैं हम गरीबों के लिए भी थोड़ा लेके आ जाना। तू जाना यार, तू जा यार। चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी नीचे ही हो रही। तो गाइस मैकडोनल्ड्स में सब लोग उतर चुके हैं, बस हम लोग ही बचे पार्किंग करके आते क्योंकि पार्किंग मिल नहीं रही है, बहुत जाम है। तो गाइस हम लोगों ने पार्किंग कर दी है, तो फर्स्ट फटाफट से हम लोग चलते हैं अभी मैकडोनल्ड्स की तरफ। ताऊजी लोग वहाँ पे खड़े हैं, अंदर भी नहीं गए हैं। गाइस हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं इतना दूर जाने के बाद। देखिए गाइस फोटो सेशन हो रहा है, मैकडोनल्ड्स हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ देखिए चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गाइस फोटो सेशन चल रहा है, ताई जी आप बैठी हुई है। सो गाइस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स, चलो फटाफट से चलते हैं, पहली बार हम लोग एंटर कर रहे हैं एक्चुअली में। अच्छा गाइस हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं। गाइस देखिए गाइस इतना टाइम लगा रही है, 15 मिनट से ये ऑर्डर ही करे जा रही है। हां वो 15 मिनट 5 मिनट हुआ है बेटा, 5 मिनट ठीक है। ये मम्मी को देखिए, ये मम्मी ऐसे करके बैठी हुई है, बस अभी आ रहा है माँ। आ रहा है, डोंट वरी जस्ट चिल। हम लोग कूपन मार रहे हैं इसमें भी, फाइनली हम लोग का ऑर्डर होने वाला है। अरे ये रस स्कैनर, ये रहा शाबाश। तो गाइस इन लोगों को कुछ आता है नहीं ऑफर चेक करना, तो मैंने क्या किया ऐप डाउनलोड किया और मैंने देखा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो नहीं रहा है, तो उन लोग ऑफर हम अप्लाई कहाँ करेगा क्योंकि दिखा नहीं रहे। फिर मैंने देखा कि अच्छा हाँ यहाँ पे हम क्लिक करें और फिर हम एक्टिवेट दबाए तो कूपन कोड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कूपन कोड का ऑप्शन है, तो फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। गाइस हमने ये बस हम लोग का स्नैक्स है, इसको हम लोग 640 का बिल बना दिया, हम लोग डिनर कहीं और करने वाले हैं। ये है हमारा बिल, ये देखो गाइस बिल इतना ज़्यादा 3038 हम लोग का ऑर्डर नंबर 3038 है। तो गाइस हमारा ऑर्डर यहीं पर ही होगा, देखते हैं गाइस कितना टाइम लगेगा हमारे ऑर्डर को। तो गाइस बोल रहे हैं 10 मिनट रुकना होगा, तो 10 मिनट रुकते हैं। वहाँ पे हमारी फ्रेंच फ्राइज बन रही है, गरम गरम किचन देखे गए, इतना सुंदर किचन है। हमारा ऑर्डर आ चुका है, फटाफट से ले लेते हैं। तो गाइस हमारा मैकडोनल्ड्स का आ चुका है, ये मेरे से मत कर मत कर, खत्म हम खा ही चुका है। ताऊजी ताई जी का इंतजार खत्म हुआ, कुछ मिला है दिखा रही है। शेक शेक है, क्या बोला तूने, शेक शेक में ये फ्री फ्री सीजनिंग, तो ये फ्राइज को भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे, ये सब कुछ इन लोगों के लिए नया चीज है, पर मेरे लिए नहीं। अच्छा हमको सिखा रिया है, इसको डालने के बाद में इसमें वापिस डाल लग डाल नहीं देख लेको गाइस खाली कर रहा है। गाइस आर पर भी ट्राई कर रेडी
Nice. ये जो खाया है आप लोग, इससे बढ़िया कचौड़ी भारतीय जलपान का और ये समोसा या कोई मिठाई भी आता साथ में। गजब बेइज्जती है। इतना अच्छा नहीं लगा गाइस इसका टेस्ट। हमें जितना भी हम लोग ने मंगवाया था उसमें से खाली फ्रेंच फ्राइज ही अच्छा लगा, वो थोड़ा सा, और आलू टिक्की वाला वो सैंडविच बर्गर। तो अभी हम लोग निखिल के लिए पैक करा रहे हैं। निखिल भी बोला थे ना तो खाएंगे। निखिल के लिए भी थोड़ा पैक करा रहे हैं, दो तीन टू बर्गर ले रहे हैं। थैंक यू। ये आते रहो आते रहो। निखिल के लिए हम लोगों ने ले लिया है, अभी चलते हम लोग दूसरे होटल में। अभी पहुंच चुके हैं, ये रहा सेवन, होटल का नाम है सेवन थेवन। पेट तो थोड़ा थोड़ा भर गया है। तो गाइस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर में। तो गाइस फाइनली हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर लिया डिनर के लिए। तो आ जाएगा थोड़ा बहुत ही, मगर भी ऑलरेडी थोड़ा सा पेट फूल है हमारा, बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस देखते कैसा आता है यहाँ का, और आपको रिव्यू भी बताएंगे हम लोग, ताकि अगर आप भी गुवाहाटी विजिट करते हैं, जो भी गुवाहाटी के, उन लोग भी वहाँ से खा सकते हैं। अच्छा, पर एक बार मैं बताना चाहूँगी कि ये खाली वेजिटेरियन नहीं है, यहाँ पे आपको नॉन वेज भी मिलता है। तो गाइस ये रहा चार मेन्यू आपका, इसमें आपका मेन कोर्स है सारा, इसमें आपका बेवरेजेस है और इसमें आपका बेवरेजेस और डेजर्ट्स दोनों हैं। पर यहाँ का डेजर्ट्स का रेंज थोड़ा सा हाई लगा, जैसे गुलाब जामुन हमें वहाँ पे 25-20 में मिल जाते हैं, पर यहाँ का थोड़ा सा हाई रेट इसमें डेजर्ट्स का। और ऐसे नहीं तो आपका मेन कोर्स का रेट कमती है। और ये है इसका बर्गर्स वगैरह, आपका जो एपेटाइजर्स वगैरह होता है, स्नैक्स वगैरह, ये सब है इसमें। और ये है आपका ओरिएंटल खाना, लाइक सूप एंड ऑल, ये सब मिलेगा आपको। तो गाइस हमारा शेक जो है आ चुका है, तेजी के लिए नहीं खाने वाली है इसको, क्योंकि तेजी कुछ नहीं खा रही है। देखिए भैया मैच देख रहे हैं, बटर नान, सॉरी गार्लिक नान हमारा आ चुका है और वो सबकी प्लेट में सर्व हो गया। और गाइस ये है कश्मीरी पुलाव, और ये है कढ़ाई पनीर जिसको भी था जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये गार्लिक नान, ये देखिए ये गार्लिक नान, ये भी है ये, और ये प्रेम का डाल चुका है, और ताईजी भी खा रही है। ताईजी ऐसी बोल रही थी कि नहीं खाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, सुबह से तो मैंने खा लिया है खाना, अभी फटाफट से। तो गाइस हमने पूरा प्लेट खाली कर दिया है और कुछ भी नहीं छोड़ा, एक दाना भी नहीं छोड़ा हमने, जो भी कुछ छोड़ा उसको भी पैक करा लिया। ताईजी कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया खाके, मजा आ गया, मजा। तो गाइस अभी जैसे कि आपने अपीयरेंस देखा, आई होप आपको अच्छा लगा। और अभी हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ, अभी रात के 10 कितना बज रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो गाइस अभी घर पहुंचने के बाद में मिलते हैं, टिल देन आप गाना को एंजॉय करिए। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और अखिल भैया भी कर रहे हैं पार्किंग। इस निखिल भैया के लिए हम लोगों ने बर्गर ले लिया है, तो गाइस भैया के लिए सारा बचा हुआ खाना। गजब बेइज्जती है ना, मतलब बचा हुआ नहीं मतलब नया नया खाना था एक्स्ट्रा मतलब। A few moments later. तो गाइस हम लोग डाइट के लिए नाटक करने वाले इंसान को अभी हम लोग वो बर्गर और नान पनीर देने वाले है। तो चलिए गाइस इनका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये देखिए मुझे क्या क्या सामान मिल रहा है फिलहाल। तो चलो एक मैगी का, इतनी खुशी मुझे आज तक मंगवाया गया। ये तो मंगवाया नहीं, ये तो बच्चा मुझे जुबान ला दिया गया। नहीं बच्चा नहीं है, मतलब इस्तेमाल नहीं किया था, मैं खाना खाया नहीं। कोई नहीं गाइस अपने चलता है। अरे एक सेकंड मैडम, एक सेकंड बंद तो करिए। एनीवेज गाइस अपने को चलते हैं, अपन फिर भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गाइस डोली कुछ बोलना चाहती है आप लोग को, 11:30 बजे रात को, अभी ये सो नहीं रही है देखिए। तो गाइस अभी रात हो चुकी है और हम लोग सभी आ चुके हैं थके हार के। अच्छा मैं एकदम से थक चुकी हूँ, मुझे बस अभी नींद आ रहा है और मैंने एडिटिंग किया है अभी। तो गाइस अभी पीयूष भी एडिटिंग कर रहा है, थाला की थोड़ा सा मैंने कर दिया, थाला की गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स गाइस, सुजीत नहीं गाइस, सुजीत नहीं एट कमेंट।